तो भाई आजा देख ले यार, अभी ना पीछे देख रहे हैं ये रास्ता, इससे अपन ऊपर चढ़ने वाला है। ठीक भाई, आप देख सकते हैं कितनी मतलब डिफरेंट रास्ता है। भाई देख रहे हैं डिफरेंट है। अरे पत्थर मत चलाओ, घुस गया है। तो भाई आजा देख ले यार, अभी ना पीछे देख रहे हैं ये रास्ता, इससे अपन ऊपर चढ़ने वाला है। ठीक, और ये जो पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं, एक आतंकवाद फिराज और अपने भाई इधर है करण भाई। ये देख रहे हैं पीछे की सोसाइटी, इस साइड ना भाई पूरी मतलब गांव पीछे है। और अभी देख पा रहे हैं वो गंगा नदी है सामने और वो सब गाँव है। भाई अपन अभी पूरा चढ़े नहीं है, ठीक ना, अभी मतलब पूरी नीचे ही है अभी, और ऊपर चढ़ रहे हैं, देखिए क्या सीन होता है। पीछे अकाउंट देख लीजिए करण भाई, ये हमारा सबसे बढ़िया गाइड है खास करके। भाई आप आगे चलिए, आगे आगे आगे, और व्यू देख सकते हैं आप। भाई अभी तो चल रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। काफी यार डिफिकल्ट है बट मजा बहुत आ रहा है। देख रहे हैं पीछे, आप अंदाजा लगा सकते हैं अपन कितनी ऊंचाई पे लगभग आ गए हैं। कुछ ज़्यादा तो नहीं बट मेरे लिए काफ़ी ऊंचा है भाई। यस यस। तो भाई आप देख रहे हैं पीछे जो पेड़ है ना, अपन वहीं पे थोड़ा रेस्ट लेने वाले हैं। भाई ऑलरेडी बहुत थक चुके हैं, काफ़ी ऊपर तक अपन ट्रैकिंग कर भी लिए हैं और भाई फिलहाल अपन यहाँ ऊपर आ गए हैं और काफ़ी थक भी गया था बट कोई नहीं, आप बैकग्राउंड देखिए एक बार, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपन कहाँ तक आ गए हैं, काफ़ी ऊपर आ गए हैं। और अभी तो जितना ऊपर आए हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा भी ऊपर चढ़ना भी है अभी। भाई आप पीछे देख सकते हैं लोग कैसे चढ़ रहे हैं, आप ये अंदाजा कितना खतरनाक है, मतलब खतरनाक बोलते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रखा है और पैर काफ़ी स्लिप भी हो रहे हैं, सिर्फ एक चांस काफ़ी ज़्यादा है। और फिर भी आप देखिए ऊपर यार रास्ता नहीं, फिर भी अपन रास्ता बना रहे हैं ये बीच आयुष भाई, क्योंकि हम लोग उतना आइडिया नहीं है, वो बंद काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं वो गाइड हमारे करण भाई। आइए चलते हैं भाई, अभी तो एक तो पहाड़ है जो उसके ऊपर आ गए हैं, काफ़ी और ऊपर चढ़ना भी है। और एक जो मेन चीज़ है ना वो देखिए सामने ना एक बस्ती है, वहाँ पे जो गांव है जहाँ पे लोग रहते हैं, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये गांव दिख रहा है, चलो मैं आपको आगे गांव दिखा दूंगा। इस गांव में भाई मतलब लगभग आदिवासी लोग रहते हैं, आप समझ सकते हैं इनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे। खैर अभी तो मैं इस पॉइंट पर बात नहीं करूँगा बट आप समझ सकते हैं पहाड़ के ऊपर चढ़ना फिर उतरना हर एक चीज़ के लिए ना है भाई। यहाँ पे पहाड़ के ऊपर यार एक अपना घर और बनाना बहुत बड़ी बात होती है, आप देख सकते हैं लोगों की घर वगैरह हैं यहाँ पे, लोग हैं, स्कूल है, और हाँ ये स्कूल है, ये देख लीजिए ये ना ये गांव का स्कूल है, क्योंकि सब चीज़ें पहाड़ के ऊपर हैं। और ये कुछ ग्रामीण लोग हैं देख सकते हैं, ये खा प्राथमिक विद्यालय, ये देखिए गांव की स्कूल है और ये यहाँ की गांव है, ये सोसाइटी के लोग हैं। आइए आगे आपको और दिखाते हैं, ये पहाड़ के ऊपर का ये जो गाँव है और यहाँ पे स्कूल। आइए आगे बढ़ते चलते हैं, आप समझ सकते हैं पहाड़ के ऊपर सर्वाइव करना कितनी मुश्किल बातें हैं, कैसे लोग रह पाते हैं यहाँ पे, ना ही यहाँ पे दुकान है ना कुछ है, अब हर एक चीज़ के लिए इनको पहाड़ से नीचे आना होता है। और इतनी जो टफ जो ट्रैकिंग है ना ये बहुत बड़ी बात है भाई, आप देख सकते हैं इतनी मतलब कैसे पहाड़ ऊपर से उस पर घर बना हुआ है।
आए फिर भी होके गुजरते हैं आपको। फाइनली अपन झरने के पास पहुँच ही जाएंगे, बस थोड़ी टाइम और है रास्ता निकालने के लिए। ठीक है, कुछ रीजन है जहाँ पे जो कैमरा मुझे बंद करना पड़ेगा, कुछ एरियाज है जहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, जो आप करना क्या आपसे मिलते हैं यहाँ पे। भाई एक चीज़ और प्रॉब्लम और क्रिएट हो रखी है यहाँ पे ना, फ़ोन का जो नेटवर्क है ना भाई, पूरी नेटवर्क गैप हो रखी है, मतलब नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं है। और यार सोचने वाली बात है कि यहाँ पे लोग बिना नेटवर्क के बिना नेट कैसे रह पाते होंगे, कितनी टफ लाइफ है। मुझे कुछ बच्चे दिखे हैं पीछे, मैं उनको लिए कुछ लेने जा रहा हूँ, दुकान वगैरह तो नहीं है, बट मैंने देखा कि जगह एक छोटी सी घर है जहाँ पे लोग कुछ सामान रखे हैं जो कि मतलब वही बिक्री वगैरह कर रहे हैं। चलिए यार मुझसे मिलते हैं और बच्चों के लिए कुछ लेके चलते हैं। भाई मैंने फिर ग्रामीणों से बात किया, वो बता रहे कि दुकान था पहले, मतलब कोई आदमी घर पे कुछ सेल करता था, बट वो बंद हो चुका है काफ़ी दिन पहले। चलिए बच्चों से ऐसे ही मिलते हैं, क्या बताऊँ, खैर मुझे पहले लेके चलना चाहिए था। करण भाई पीछे पूछ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि दुकान बंद है, चलिए वैसे चलते हैं। भाई आप देख सकते हैं कि फ़ोन का नेटवर्क यहाँ पे गायब हो रखे हैं, एमरजेंसी कॉल सारे में आ रखे हैं। चलिए कोई नहीं, आइए पहले बच्चों से मिलते हैं। ये हैं पहाड़ के बच्चों, समुदाय वहाँ के बच्चे, इनसे मुझे इनकी लैंग्वेज तो नहीं आती है, बट भाई आप बात कीजिए। अरे उनके भाषा में पूछा नहीं जानते लो, ये है बेची थी। तो भाई लोग क्या हाल चाल, बढ़िया बोलो, बढ़िया है बोलो। नाम क्या है? नाम क्या है? भाई बाबू आपका नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या नाम है आपका? बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, क्या बाबू क्या नाम है बोलो बोलो। हेलो बच्चा, अरे ये देखिए चिड़िया, ये देखिए चिड़िया, अब दिखाओ जरा, दिखाओ इसे, देखिए बच्चों ने, भाई ये जिंदा चिड़िया है, इनको पकड़ा रखा है बच्चों ने, वो खेलता है। हाँ बच्चे खेल रहे हैं इसे, मतलब समझ सकते हैं। बाबू दिखाओ जरा, दिखाओ जरा, हाँ देखिए कितनी क्यूट बच्ची है। हेलो भाई, स्कूल जाते हैं आप लोग? सही है भाई, यहाँ पे कोई दुकान नहीं है ना इधर कहीं, दुकान वगैरह कुछ नहीं है ना? सॉरी भाई हम आपके लिए कुछ ला नहीं पाए, कोई नहीं, अगली बार जब भी आएंगे ना आपके लिए जरूर कुछ लाएंगे। ओके बाय 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 बच्चा लोग, बाय बच्चा पार्टी। आप देख सकते हैं कितने क्यूट बच्चे हैं, मतलब यार हाँ यार देख रहे हैं कितनी अच्छी, मतलब जकीन अच्छी, आप इतनी कैसे सही हवा चल रहे हैं, बट नेटवर्क वगैरह कुछ है ही नहीं, नहीं बताऊँ कितनी टफ लाइफ है इनकी। चलते हैं आगे, चलते रहते हैं। हाँ यार नज़ारा आप देख सकते हो भाई, ये देख रहे हैं ना, ये जो पहाड़ के जो इलेक्ट्रिक वायर्स आई हुई हैं और ये पहाड़ पे इनको बिछाया गया है, और देखिए ऊपर यहाँ कनेक्ट है। चलिए चले चले चलते हैं, चलेंगे जल्दी चलेंगे जल्दी जल्दी जल्दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अब शायद पहुँचने वाले हैं, नहीं यार एक और पहाड़ है अभी। चलिए कोई नहीं चलते हैं, अब नहीं भाई अभी अपन पहाड़ में कुछ नीचे थोड़े उतरने वाली जगह है, उतर रहे हैं, फिर अभी और आगे एक और पहाड़ भी उसके ऊपर भी चढ़ना है, तब हम लोग पहुँचेंगे झरने के पास। आप इसे नाम में देख सकते हैं, झरने का नाम है मोती झरना, ये साहिबगंज में है। चलिए आपको मैं ही दिखा देता हूँ, काफ़ी सही लुक है। भाई हमारे बॉटल का पानी ख़त्म भी हो चुका है, और यहाँ पे मुझे ना एक कुआँ दिखा रहा है, वहाँ पे अभी हम कुछ पानी भरेंगे बॉटल में, क्योंकि अभी और ऊपर ट्रैकिंग करनी है। और आप देख सकते हैं बच्चे कैसे पानी निकाल, आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने तरीके से पानी निकाल रहे हैं, और ये मेरा कुआँ देखिए रस्सी से पानी निकालने इसके ऊपर चढ़ के। अब वो जरा मुझे भी देना पानी, इसमें डाल देना कर भाई, आप निकालिएगा, ये बहुत सही है, निकाल निकाल निकालिए। देखिए ये हमारे गाइड जो हैं करण भैया, ये पानी निकाल रहे हैं। हाँ निकालिए भाई, निकालिए निकालिए, करना भाई एक्सपर्ट है, ये इसी एरिया के हैं, यहाँ के लोकल हैं, ये रहने वाले हैं। ये हुई बात, पानी
भाई ये पानी मैंने पिया, पानी इसका बहुत ठंडा यार, मतलब ये फ्रिज फ्रीजर के पानी इसका क्या मतलब भाई, सब फेल है। मतलब यहाँ पे जो पानी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लोग बॉटल भर रहे हैं, भर ले भाई भर भाई। मतलब अब थोड़ा सुकून मिला, पानी वानी पिया, फिर अपन थोड़ा सा यहाँ पे 5-10 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर ऊपर चलने वाले हैं। देखिए इधर करण भाई पानी पी रहे हैं। हाँ क्या वो इधर है? भाई आप देख सकते हैं कितनी मतलब डिफरेंट रास्ता है। आप ये देखिए कितने मतलब भाई बचा बचा आराम आराम आप भाई ये देख रहे हैं बंदे बेचारे परेशान हो गए। आयुष भाई चलते रहो चलते रहो चलते रहो, अपने पास टाइम बहुत कम है। भाई मेरा क्या होगा, ओ मैं भी चलता हूँ भाई, जल्दी चल जल्दी चल। अबे बस आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। वो देखिए राज की कितनी बुरी सीन हो रखी है, बस मैं भी आ रहा हूँ। घुस गया भाई, कांड हो गया। ये देख यार पैर गिर गया, साला पैर चला गया पानी के नीचे, सूज वगैरह सब गीले हो गए हैं। अब फिर भी हार तो नहीं मानेंगे, आगे तो बढ़ते रहेंगे, बस बढ़ रहे आगे ऐसे ही। पैर तो गीला हो गया पर कोई ना, चलते रहते हैं। आखिर इतने सब प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद हम झरना करीब आ ही गए हैं, लगभग ऑलमोस्ट उससे करीब आ गए हैं। और देखिए तो सर क्या होता है यार, पैर अंदर चला गया ना। हम काफ़ी झरना करीब आ गए हैं, करण भाई जैसा कि मुझे बता रहे हैं। देखिए बंदे लगता है चलते हैं, मैं भी चलता हूँ, लेट हो जाएगा भाई। से ऊपर है और आपने जितना मतलब इसके पहले जो वीडियो में देखा जितने झरने थे, मैं सबसे ऊपर रहा हूँ क्योंकि मेरा खास मकसद यही था। मुझे मैंने कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ, बट मुझे यही जानना था ना कि झरना आ कहाँ से रही है, इसके जाने के रास्ते क्या हैं। और फाइनली आज मैंने वो ऊपर आ ही गया हूँ। आइए आगे आपको और कुछ व्यू दिखा रहा हूँ। तो पीछे देख ही सकते हैं करण वरुण भाई हैं, झरना फाइनली यहीं से बैठा भाई। ये झरना कब से ऊपर सीन है, क्योंकि यार आपको आपने कई ब्लॉग्स में देखा होगा कि लोग आपको झरना दिखा रहे हैं, बट मुझे ये जानना था ना कि झरना के ऊपर क्या ऊपर जाने की रास्ता क्या है। और ये देखिए फाइनली आज हम आ ही गए, अब आपको दिखाएंगे बैकग्राउंड जो कि बहुत तगड़ी होने वाली है। ठीक आप ये देखिए भाई, नीचे इसके नीचे मंदिर है और फाइनल आज हम आ ही गए भाई। मतलब यार बहुत खुशी मिली है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा आपको क्या खुशी मिल रही है। अभी देखिए पीछे भाई बहुत तगड़ी हवा रही है, देख रहे हैं जी। अभी हम फिलहाल झरने के ऊपर हैं और पानी यहीं से जाती है। देखिए पानी तो अभी काफ़ी कम आ रहा है भाई, इसके ऊपर आके वीडियो रिकॉर्ड करना काफ़ी सेफ नहीं है, बट फिर भी मैंने बहुत सारा रिस्क लिया। आप देख सकते हैं इसके नीचे यार, अब बताएँ अब क्या ही बताऊँ मैं, सुख सुख बातें करते हैं फिलहाल। और पानी वहीं से आता है, मैं नीचे चलूँगा फिर आपको मैं दिखाऊँगा नीचे का सीन। अभी फिलहाल ऊपर का सीन है और नीचे लोग हैं भाई। आप ये देखिए जी, ये देखिए लोग हमें आवाज़ तो नहीं जा पा रहा होगा, फिर भी लोग हमें देख पा रहे हैं। ये देखिए ये ऊपर का जो लेयर है ना, वो है ऊपर का जो पोर्शन है, फिर ये नीचे वाला है, तब इसके नीचे मंदिर है। ये देखिए अब देखिए, हेलो भाई जी चढ़ेगा तुम चढ़ गए हैं, अब नीचे उतर रहे हैं। आप देख सकते हैं रास्ता कितना खतरनाक है यहाँ का, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं रास्ता कितना खतरनाक है, हम ऐसे हो कि नीचे उतर रहे हैं। बट मैं आपको कभी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इधर से आइए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना सीधे रास्ता आइए।
खैर हमें यहाँ के लोगों से काफ़ी परमिशन देना पड़ा था, उन्होंने जाने दिया। आप वो जगह देख रहे हैं ना, हम लोग वहीं पे गए हुए थे। अब मुझे फिलहाल वहाँ पे जाना है, सब नीचे मेन ग्राउंड पे जाना है मुझे। अब भाई लोग देखिए उतर रहे हैं कैसे, अब ऐसे होते हुए जाना है नीचे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। हाँ भाई, हम लोग काफ़ी नीचे तक आ गए हैं और थोड़े से बच्चे भी नीचे जाने के लिए, आप देख सकते हैं। हाँ ये रास्ता थोड़ी दूर और बच्चे नीचे जाने के लिए। अभी तक तो पूरा सेफ आए हैं, अब आगे भी थोड़ा सेफ चल जाए फिर मुलाकात करते हैं, आपसे बताते हैं कैसा रहा रास्ता। भाई देख रहे हो, अरे पत्थर मत चलाओ, तो पत्थर मत चला भाई। ट्रेनिंग हो रहा है, तुम लोग का उतना बड़ा हो। हाँ भाई फाइनली नीचे आ गए हैं, आप देख रहे हो ऊपर पहाड़। भाई वहाँ पे दिख रहा है आपको, भाई वहाँ से आ रहे हैं हम। जब पहाड़ से भाई चढ़ा तो उतना डिफिकल्ट नहीं था यार, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट ना उसे उतरना था भाई। सचो तो मुझे ऐसा लग गया था ना कि अभी इम्पॉसिबल है ये ब्लॉग यार उतरना ही पॉसिबल हो गया था। अच्छा बट कोई ना, आखिर फाइनली आ ही गए। बस भाई उस बंदे की वजह से सारी मोटिवेशन वहाँ से आई है मुझे, वरना मुश्किल था क्या बताऊँ मैं। फिर भी फाइनल आ गया। अब भाई अभी हम वाटरफॉल मंदिर काफ़ी करीब आ गए हैं, आप जो देख सकते हैं ऊपर जो अभी काफ़ी मतलब इस मौसम में वाटरफॉल काफ़ी पानी काफ़ी कम हो रही है। जस्ट उसके नीचे मंदिर है और मैं आपको कुछ सामने के व्यू दिखा दूँ। आप देख सकते हैं लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर पानी थोड़ी कम हो गई है अभी क्योंकि मतलब गर्मी का दिन है और जब सावन के मास में इस टाइम आप आइएगा उस टाइम पूरी इधर पूरी पानी से आती हैं। आप इसको YouTube गूगल पर भी देख सकते हैं और ये देखिए लोग काफ़ी सही से इन्जॉय कर रहे हैं। फर्स्ट में अपन यहाँ पे नहाएंगे धोएंगे पहले वहाँ पे, इसका हम आप लोगों को मंदिर के अंदर का सीन दिखाएंगे, मंदिर के अंदर क्या नज़ारा रहता है। भाई फैस मजा भाई, ऊपर पहाड़ पर चढ़ाओ यार उसके टॉप पर, फिर उससे ऊपर से नीचे आए भाई पूरा थक गया यार पूरा, मतलब काफ़ी बुरी सीन हो रखी है। कोई ना, आप बैकग्राउंड व्यू देख सकते हैं, इतना तकड़ा कितना सही है भाई। इस जगह का नाम है मोती झरना, ये झारखंड के साहिबगंज जिले में है और आप जब साहिबगंज जाते हैं आपको वहाँ से ऑटो वगैरह कुछ बुक करना होगा या फिर इस जगह के नियर बाई जो रेलवे स्टेशन है वो महाराजपुर है, आप वहाँ से भी यहाँ पे आ सकते हैं। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, लोग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, देख सकते हैं सब के इंजॉय कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे जस्ट ऊपर से झरना आता है, यहाँ से झरना आता है और देख रहे हैं नीचे जो लोग काफ़ी नहा रहे हैं क्योंकि इसको तीन सेक्शन में बांटा गया है। आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पर किसी को नहाने और जाने की परमिशन नहीं क्योंकि इसके ऊपर से ना काफ़ी पत्थर ऑलरेडी हमेशा गिरते रहते हैं, इसलिए हमेशा यहाँ पे रिस्क रहता है।